नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों बजट का सेशन खत्म हो गया बजट की मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा लेकिन इस वीडियो में नहीं अभी वाले जो वीडियो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर है और निफ्टी के ऊपर है दो फरवरी दो के लिए तो चलिए शुरुआत करता हूँ कि दो फरवरी दो को बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट बन सकता है लेकिन मैं फिर से बता दूँ रिमाइंड करा दूँ यहाँ पे कोई भी प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलामसा जरूर कर लें क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी तो चलिए शुरुआत करता हूँ और जैसा कि मूव का उम्मीद होता है बजट के दिन में उस तरह का मूव नहीं मिला बजट सेशन में इस बात का घोर निराशा हमारे मन में हो गया क्या हो गया निराशा और आपको भी नहीं खुशी हुआ होगा इस तरह के मूव की उम्मीद भी नहीं हुआ होगा क्योंकि ओवरऑल अगर पिछले जितने बजट भी हम लोग देखें तो बड़ा मूव आता है 2000 3000 पॉइंट के बड़े मूव बन जाते हैं कम से कम हज़ार डेढ़ हज़ार तो कहीं नहीं जाता है मूव मूव का पॉइंट लेकिन आज मात्र 200 300 पॉइंट में बैंक निपटी घूमता रहा कभी नीचे कभी ऊपर है ना फ्लैक्चुएसन था विक्स हावी था फ्लेक्चुएसन बहुत ज़्यादा था वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा था इस बात को स्वीकार करता हूँ लेकिन मूवमेंट नहीं था है ना जिस तरह के मूवमेंट होने चाहिए अगर फॉल है तो फॉल होगा अप है तो अपसाइड जाता है इस तरह की चीज़ें होती है लास्ट टाइम में लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ खैर क्या ये मूव पेंडिंग रह गया सवाल है क्या ये मूव पेंडिंग रह गया कल वीकेंड के लिए फ्राइडे के लिए शुक्रवार के लिए तो इसकी संभावना बनती है कि हो सकता है एक मूव पेंडिंग रह गया हो और वो मूव कल आ सकता है मंडे को आ सकता है लेकिन वो मूव आएगा एक बड़ा मूव आपको देखने को जरूर मिलेगा तो फिलहाल अभी देखिए जो बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा है एक जो कल का रजिस्टेंस एरिया था उसी रजिस्टेंस एरिया के पास में ही ये अपने आप को होल्ड कर रहा है नहीं ये कल का रजिस्टेंस एरिया था यानी कि इकतीस तारीख वाला ये एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्टी फर्स्ट वाला रजिस्टेंस आज उसी रजिस्टेंस एरिया के बारे में जाके बार बार ये क्लेम करता था और रिजेक्ट हो जाता था, था तो, तो इतना है कि यहाँ जो ऊपर जो एरिया है छियालीस वाला वो एक हैवी रजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और उसके ऊपर टिक नहीं रहा है अगर ये छियालीस सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है छियालीस तीन सो आज तीन सौ का हाई भी लगाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो अगर यहाँ छियालीस दो सो पच्चीस से लेके छियालीस हजार तीन के ऊपर अगर ये निकलना स्टार्ट कर जाता है तो आप एक बड़ा मूव देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मूव मिल सकता है यानी छियालीस दो सौ पच्चीस से तीन वाला जो ये एरिया है जो बार बार ये क्लेम कर रहा है इसके ऊपर निकलने के बाद एक मोमेंट बन सकता है ऊपर टारगेट आप छियालीस चार सौ से लेके कर छियालीस हज़ार पाँच सौ और छियालीस हज़ार सात सौ या छः सौ आप लिख सकते हैं हाँ छियालीस हज़ार छः सौ से लेके कर सैंतालीस हज़ार आप पकड़े एक राउंड नंबर का लेवल आपको मिल सकता है सैंतालीस हज़ार यहाँ से फिर देखिए छः छियालीस छः सौ से सात सैंतालीस हज़ार की बात करेंगे तो चार सौ पॉइंट का रैली इधर आ रहा है लेकिन ये एक बार में तो जाएगा नहीं तो अभी इसके पास में बहुत सारे हर्डल हैं तो जरा उस हर्डल को मार्क कर लेते हैं आप यहाँ पे देखें ये एरिया देखिए है ना छियालीस हजार पाँच सौ तो ये बड़ा हर्डल है यहाँ पर सबसे पहले इसी हर्डल को ब्रेक करने की कोशिश वो करेगा छियालीस हज़ार पाँच सौ या छः सौ भी आप कह सकते छः सौ के आसपास में ये ब्रेक हो गया तब आप उम्मीद करिए कि ये सैंतालीस हज़ार तक गया और नहीं तो फिर ये नहीं जाएगा हो सकता ये सैंतालीस हजार के पहले छियालीस नौ सौ से ही गिरना स्टार्ट कर दे ऐसे भी चांस होता है लेकिन ये मूव पेंडिंग है ये आने के चांस हो सकते हैं अगर मूव ऊपर की तरफ किया तो ये आज का पेंडिंग मूव कभी ने? आपको दिखा देगा तो अगेन मैं फिर से कह दू जो लेवल की बात कर रहा था सैंतालीस हजार ठीक है यहाँ तक ये आने के चांस बनेगा इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन की तरफ की अगर बात करें तो कॉल ऑप्शन छियालीस हजार इस एरिया के ऊपर निकलने के बाद ही मैं कॉल साइड देखूंगा जो होगा छियालीस का स्ट्राइक प्राइस का जब ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये मेरा कॉल ऑप्शन ऊपर जाके हमको प्रॉफिट देगा ये बात हो गई बाई साइड के लिए लेकिन अगर इसके अपोजिट हो जाता है तो आपको अपोजिट भी बहुत ही क्लियर कट लेवल बना हुआ है इसमें देखिए सारी चीज़ें चार्ट के हिसाब से आप देखिए इस तरह से कैसे बार बार ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था नीचे से भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन से है ना आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप मैक्सिमम बार देखेंगे तो यही ट्रेन लाइन सपोर्ट का काम कर रहा था और इसका प्राइस अगर देखें तो छियालीस हज़ार का आता है और छियालीस हज़ार एक सौ का भी आप पकड़ के चल सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा छियालीस हज़ार के नीचे लेकिन फिर भी जो रिस्की ट्रेडर हैं पहले ही चाहते हैं कि नहीं मेरी एंट्री पहले हो जाए या रिस्क लेना आप जानते हैं तो छियालीस हज़ार एक सौ के नीचे भी सेलिंग हो जाएगा क्लोजिंग छियालीस एक सौ अट्ठासी के आसपास पर कर रहा है तो छियालीस हज़ार एक सौ नीचे मैं तो लेवल की बात ट्रेन लाइन के हिसाब से देख रहा हूँ कि अगर ये इस एरिया को तोड़ देता है नीचे के साइड में फोर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड के नीचे आता है तो एक सेल का लेवल बन सकता है और यहाँ से जब ये तोड़ेगा तो ये सबसे पहले पैंतालीस आठ सौ के एरिया को क्लेम करेगा यानी कि टारगेट जो होगा छियालीस हज़ार राउंड नंबर उसके फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड पैंतालीस नौ सौ से लेके पैंतालीस हज़ार आठ सौ का लेवल आपको मिल सकता है ठीक है यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये अगर लेवल नहीं संभला चूंकि आज दो बार सपोर्ट लिया है तीन बार सपोर्ट लिया है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है पहले भी ये लिया हुआ है लेकिन अगर ये नहीं संभाला तो ये फिर अपने इस लेवल की तरफ आएगा जिसका भाव आता है पैंतालीस हज़ार पाँच सौ यानी पैंतालीस आठ सौ के बाद जो टारगेट आएगा वो पैंतालीस पाँच सौ तक के लेवल बना सके दिखा सकता है ये लेवल निकलते हैं तो यहाँ से चूंकि अब सेल हो रहा है तो जाहिर बात है ऑप्शन बाया तो पुट ऑप्शन खरीदने की कोशिश कर सकते हैं छियालीस के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है थोड़ा महंगा मिल सकता है छियालीस का थोड़ा सस्ता मिल सकता है इस दोनों में से कोई भी मेरा पुट ऑप्शन रहेगा जब इंडेक्स नीचे आएगा तो ये मेरा पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा मैं डिस्क्लेमर बार बार देता हूँ कि यहाँ पे लेवल्स में चार्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कोई मैं आपको पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ लेवल्स आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप अपनी स्टडी जरूर करिए कहीं भी, भी टिप्स के भरोसे मत रहिए आप अपना अध्ययन करिए उस पर बिलीव करिए और उस पर बैक टेस्ट करिए लाइव ट्रेड करिए लाइव टेस्ट करिए देन आप धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है अब दूसरा कंडीशन हो सकता है कि गैप अप और गैप डाउन मैं आज गैप अप और गैप डाउन की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये बेकार है गैप अप और गैप डाउन क्यों बेकार है मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ देखिए मैं एक मूव दिमाग में, में मेरा घुसा हुआ है वो पेंडिंग रह गया आज मैं इतने सालों से बजट को देखता आ रहा हूँ तो मैं बजट के दिन एक मूव की उम्मीद करता हूँ कि तो वो मिले आज नहीं मिला तो मेरे दिमाग में वो मूव बचा हुआ है कि वो मूव आ सकता है और कल है वीकेंड क्या वो मूव कल आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो हो सकता है वो नीचे खुल जाए काफ़ी ज़्यादा नीचे फॉल हो जाए या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऊपर खुले तो अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकता है माने कि एक जिसको हम सोच नहीं सकते किस लेवल पर खुलेगा ऐसा हो सकता जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है कल भी इसी लेवल पर खुले लेकिन वो दिमाग में चल रहा है इस वजह से मैं लेवल पर कंफर्ट नहीं हूं गैप अप और गैप डाउन पे इसलिए मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा आज गैप अप और गैप डाउन की उम्मीद है आप मजबूरी समझ रहे होंगे अब चलता हूँ जरा निफ्टी के तरफ में कि निफ्टी क्या कर रहा है तो देखिए बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है लेकिन निफ्टी निगेटिव क्लोज हुआ है तो ज्यादा निगेटिव वो भी क्लोज नहीं हुआ बल्कि मात्र उन्तीस पॉइंट का ये निगेटिव क्लोज हुआ है अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह से एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है क्लियर है फ्लैग पैटर्न पहले तो राउंडिंग टॉप बना था अब यहाँ से एक पोल बना के ये फ्लैग को ड्रॉ करने की कोशिश करता हुआ है। नजर आ रहा है क्लियर है ये बहुत सुंदर ये हो गया हमारा फ्लैग पैटर्न अब इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर ही हम इसको सोच सकते हैं देखिए बाईस हजार का जो ये गैप बना हुआ है ना वो बाईस हजार का गैप है तो बाईस हजार के ऊपर जब तक तो ये क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि मंदी मैंने गिरावट खत्म हो गया हम ये नहीं मान सकते क्योंकि वो हमारा लेवल हजार दिख रहा है अच्छा गैप दिख रहा है तो जब तक ये गैप खत्म नहीं हो जाए हम कैसे कह दें तो पहले तो ये फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए है ना तभी तो नहीं होगा तो फिर कैसे तो अभी के तरफ में और आज का हाई भी अगर हम देखते हैं तो इक्कीस आठ के आसपास से 850 भी नहीं गया 820-25 के आसपास से गिर गया और वो लाइन कुछ इस प्रकार है क्योंकि यहाँ पर सत्रह तारीख का वही एरिया के आसपास में रजिस्टेंस भी है तो एक चीज ये भी पता चल गया है कि हर्डल है नजदीक में अब आप इस तरह से समझें कि कल हमें इस ट्रेन लाइन यानी इक्कीस निकलता है, तो एक बाय साइड का मूव मुझे मिल सकता है अगर ये 21750 के ऊपर इस ट्रेन लाइन को फ्लैग को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक मोमेंट बन सकता है जो मेरा जो टारगेट होगा पहला 21,800 का और दूसरा इक्कीस हज़ार आठ सौ पचास इक्कीस हज़ार आठ सौ पचास एग्जैक्ट नहीं वहाँ पे आठ सौ पच्चीस तीस भी हो सकता है इस लेवल के आसपास मैं अलर्ट रहूँगा क्योंकि ये बार बार उसी एरिया से गिर रहा है पहले भी दिखा है सतरह तारीख को भी वहीं से गिरा है ठीक है उसके आसपास भी गिर जाता है पहुँच के तो जब इसके ऊपर आठ सौ पचास के ऊपर वो क्लोजिंग स्टार्ट करेगा तब मैं मान के चल सकता हूँ कि इक्कीस नौ सौ से लेकर नौ सौ पचास का लेवल दिखाया जा सकता है मिल सकता है यहाँ पर लेकिन बाईस हज़ार के ऊपर जाने में दिक्कत करेगा तो इक्कीस नौ सौ पचास तक आसपास में पहुँच सकता है कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से इक्कीस सात सौ पचास के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है इंडेक्स ऊपर जाने पर यह कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा दूसरी बात है कि अगर ये इस तरह से बाय साइड नहीं गया और हो सकता है कि ये नीचे ब्रेक कर दे तब सेल साइड जाएंगे यानी कि फ्लैग को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करे और वो इक्कीस छः सौ पचास कितना के नीचे सेलिंग खुलेगा इक्कीस हजार छः सौ पचास ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी के बिलो इक्कीस हज़ार छः सौ पचास के नीचे एक सेल लेवल ये लेवल खुल सकता है और पहला टारगेट जो ये सपोर्ट एरिया आता है वो इक्कीस छ सौ का आता है तो इक्कीस छह सौ की तरफ सबसे पहले इस लाइन पर आने की कोशिश करेगा जब इक्कीस छ सौ पचास के नीचे निकलेगा तब तो इस हिसाब से क्या होगा टारगेट सिंपल सी बात है इक्कीस हजार छह सौ ठीक अब यहाँ पर ये रुक, रुका तो ठीक नहीं रुका तो ये फिर ये फॉल्स करके माने फॉल मारेगा यहाँ से इक्कीस हजार चार सौ पचहत्तर से लेके चार सौ पचास वाला जो ये एरिया है यहाँ पर आएगा इक्कीस हज़ार चार सौ पचहत्तर आप राउंड नंबर पाँच सौ कर सकते हैं ये हो सकता है है ना और बहुत ज़्यादा अगर फॉल कर गया मान लेते हैं इन केस गिरावट तो फिर ये जो दो लाइन नीचे लगा रखा इक्कीस चार सौ वाला वहाँ तक ये आने का चांस कर सकता है मेरे ख्याल से इक्कीस पाँच सौ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए नहीं लिया तो इक्कीस चार सौ है ना यानी तीन सौ चार सौ पच्चीस चार सौ पैंतीस पैंतालीस ये सब 400 राउंड नंबर पकड़ के चले पुट ऑप्शन यहाँ से देखा जाएगा ऊपर इक्कीस हज़ार छः सौ के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पर जाके प्रॉफिट देगा तो मैंने आपको बाय का भी लेवल बताया और सेल का भी लेवल बताया इसमें भी मैं आपको आज गैप अप और गैप डाउन की चर्चा नहीं करूंगा आपको पहले ही बता दिया रीजन ना क्योंकि मूव पेंडिंग है हो सकता है आ जाए नहीं आए हो सकता है तो मंडे को देखेंगे लेकिन आज गैप अप गैप डाउन का कोई मतलब नहीं रहेगा मेरे लिए कि यहाँ पे जाएगा तो सेल कर दो वहाँ पे जाएगा तो बाय कर दो क्यों क्योंकि न्यूज़ है ना बजट है अभी उसका रात भर में क्या इम्पैक्ट चल रहा होगा एफ के मन में डी के मन में बड़े बड़े एनालिस्ट के मन में उसका क्या इम्पैक्ट डालेगा ये कल नहीं पता इसलिए गैप अप और गैप डाउन की चर्चा आज के वीडियो में नहीं हो पाएगा दोस्तों तो खैर चलिए पसंद आया हो ये एनालिसिस लेवल्स तो मुझे कमेंट करके बताएं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद